मैं फरहान इंडियन मीडिया बुक से और आज मैं बात करने वाला हूँ ई सिगरेट के बारे में। ई सिगरेट वैपिंग, ये ई सिगरेट क्या है? एक ये डिवाइस है जो बैटरी से चलता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, जिसके ज़रिए आप अपने बॉडी में निकोटीन को लेते हैं। इंडिया मार्केट में ई सिगरेट ग्रो कर रहा है और जानकारों का कहना है कि अभी जितनी खपत यहाँ पर है उसका 25% और ज़्यादा आगे चल के इसका ग्रो होगा। ये अभी लीगल नहीं है इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, लॉ भी इस पर पास नहीं हुआ है, लेकिन आगे की जानकारी मैं जो देता हूँ उससे आपको लगेगा कि इसको बैन करना चाहिए। इस डिवाइस के अंदर जो निकोटीन यूज़ किया जाता है उसको लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं। इस डिवाइस के अंदर निकोटीन का एक कार्ट्रिज डालते हैं, उस कार्ट्रेज के अंदर निकोटीन की जो मात्रा होती है वो बताता हूँ कितना है। 20 सिगरेट के, नॉर्मल सिगरेट के अंदर जितना निकोटीन यूज़ किया जाता है उतना निकोटीन एक इस डिवाइस के कार्ट्रेज के अंदर होता है। इस डिवाइस के अंदर लिक्विड वेपोराइजिंग सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है जो कि काफ़ी हार्मफुल होता है, जो कि आपके हार्ट को डैमेज करता है, आपको लंग्स को डैमेज करता है और आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। US में हाल ही में इससे रिलेटेड 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जो लोग वैपिंग यूज़ करते थे, जो लोग ई सिगरेट यूज़ करते थे। ये जितने लोगों की मौत हुई है उन सभी का कारण बताया गया है कि उनको लंग्स की बीमारी थी। US में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो है CDC, सेंट्रल कंट्रोल डिजीज ऑर्गेनाइजेशन CDC, ये US की ऑर्गेनाइजेशन है। इन लोगों ने कहा है कि स्टॉप वैपिंग, स्टॉप ई सिगरेट, मतलब इसका ये है कि अभी तक वहाँ पर 450 लोग बीमार हुए हैं और उन सभी लोगों को मोरलेस लंग्स की बीमारी है, उसकी जांच चल रही है। उससे ये पता चलता है कि वो सारे के सारे लोग वैपिंग करते थे और ई सिगरेट यूज़ करते थे। US इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जो हेल्थ की इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा है जब आपको ऐसे कुछ सिम्टम आ जाए जो कफ से रिलेटेड है और आपको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम्स हो रहा है और या नौजिया प्रॉब्लम है, अगर वोमिटिंग हो रही है, तो आप इमिडिएटली अपना चेकअप कराएं, हो सकता है आपको लंग्स की प्रॉब्लम है। जो लोग ई सिगरेट लेते हैं उनके लिए एक सिम्टम बताया। US में एक 17 साल के बच्चे का केस भी सामने आया, पता चला कि उसका लंग्स बुरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। डॉक्टरों ने जब पता किया तो पता चला कि ये जो बच्चा है वो ई सिगरेट यूज़ करता था रेगुलर बेसिस पे। US में जो 450 लोगों की बीमारियों की खबर आई है वो मोर और लेस यंगस्टर है। उनके एज ग्रुप का जब जायज़ा लिया गया तो पता चला 18 से 25 साल की उनकी उम्र है, तो उससे यही लगता है कि जो यंगस्टर हैं वो काफ़ी इस डायरेक्शन में, मतलब ई सिगरेट की तरफ काफ़ी रुझाव दिखा रहे हैं। इसलिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने बच्चों का ख्याल रखिए, क्योंकि आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये काफ़ी डेंजरस है। साइंटिस्ट और बाकी लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि ये कितना डेंजरस है। जैसे कुछ पता चलता है हम भी आपको आगे की जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जब तक इसको अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके हेल्थ के लिए।